new topic. Okay, in our previous video we have studied the making of nationalism in Europe. Europe mein nationalism ki feeling kaise aayi thi. Then we have seen that Europe is a continent and France is in a Europe. France kahan pe hai? Europe mein. Before the 1789 there were no modern state. There were only kingdoms. वहां पे कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं थे, वहां पे क्या था, किंगडम्स, राजाओं का राज था. यस, फिर धीरे धीरे लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग आना शुरू हुई. नो कलेक्टिव आइडेंटिटी वर देयर, वहां पे कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. कलेक्टिव आइडेंटिटी मीन्स वी आर इंडियंस, इट्स आवर कलेक्टिव आइडेंटिटी. दोज पीपल हु बिलोंग टू इंडिया दे कैन से दैट दे आर इंडियंस. वो क्या कह सकते हैं कि वो इंडियंस है. तो ये क्या हो गया, हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई. देन टेक द एग्जांपल ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रिया हंगरी. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो आज क्या है ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से जाना जाता है, वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में वो था. और उसमें अलग अलग रीजन थे, जैसे टायरोल, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, देन सुडेटलैंड, उसके अंडर में आते थे. अलग अलग रीजन मीन्स द पीपल ऑल्सो डिफरेंट, देयर लैंग्वेज ऑल्सो डिफरेंट. उन लोग भी अलग थे, उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी, होगी ना. तो उस समय कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल था. पीपल स्पीक जर्मन एज वेल एज इटालियन, मीन्स कुछ लोग जर्मन से थे तो जर्मन बोलते थे, इटाली से थे इटली. मीन्स अगर हमने अपनी टेरिटरीज यहाँ से आगे बढ़ा दी, वहाँ के लोगों को अंडर में ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट है, कि हमें वैरायटी ऑफ पीपल आपको देखने को मिलेंगे. तो फिर इस समय क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन में दो क्लास उभर के आया, द एरिस्टोक्रेसी क्लास एंड द न्यू मिडल क्लास. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एरिस्टोक्रेसी क्लास. एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में हमने पढ़ा है, मीन्स दोज पीपल हु आर द रिलेटिव ऑफ द किंग, जो किंग्स के रिलेटिव्स थे वो सारे एरिस्टोक्रेसी में आते थे. एंड द मिडल क्लास मीन्स जैसे हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब किस में आ गए, मिडल क्लास में आ गए. ओके, ये भी हमने देखा. देख, जो एरिस्टोक्रेसी थे दे ओन स्टेट, उनकी खुद की स्टेट थे, एंड दे यूनाइटेड फ्रॉम ईच अदर. वो एक मेक से यूनाइटेड थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थे वो एक मेक से यूनाइटेड थे, बिकॉज दे स्पीक अ फ्रेंच. वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच, जर्मन के भी थे, इटली के भी थे, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे. एंड देन हाउ यू न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. वो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो स्मॉल ग्रुप था, ज़्यादा उनका बड़ा ग्रुप नहीं था. फिर जो मिडल क्लास में हमने देखा, पीजेंट्री क्लास भी आता था, एजुकेटेड पीपल, जो लोग एजुकेटेड हो चुके थे उनको एजुकेटेड लोग क्यों कहा गया, क्योंकि पहले एंशियंट टाइम में जो पुअर पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू टेक द एजुकेशन, बट आफ्टर दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एंड दे एजुकेटेड देमसेल्फ. तो उनकी वजह से सोसाइटी में एक नया रिवॉल्यूशन आया, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम. उन्होंने फ्रीडम का इम्पोर्टेंस रियलाइज किया और उन्होंने ही रिवॉल्यूशन लेकर आए. ये हमने देखा, ये हमारा पूरा प्रीवियस पार्ट था. अब इस उसमें हमने जो एक देखा लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की फीलिंग्स उनके बीच में आए, लिबरलिज्म आए, लिबरल्स किया उन्होंने, लिबरलिज्म का क्या कहना था, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पीयर में और एक इकोनॉमिकल स्पीयर में लिबरल्स किया, कि उनका कहना था कि गवर्नमेंट बाय कंसर्न गवर्नमेंट होनी चाहिए, मीन्स जो भी हो वो उनसे पूछ कर गवर्नमेंट वर्क करे, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जो अत्याचार कर रहे वो सब पूरा खत्म हो जाए, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से हमारी गवर्नमेंट रन हो, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए. ये सारा हमने हमारा प्रीवियस पार्ट में देखा है. आई एम रिपीटिंग नाउ, ओके, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं. एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने अवॉइड किया, एंड देन द इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये लिबरलिज्म का कहना था. लिबरल्स मीन जो आज़ादी चाहते थे, हर तरीके से फ्रीडम चाहते थे, तो उन्हें लिबरलिज्म, उनकी जो आइडिया है उन्हें लिबरलिज्म कहा जाता है. और इकोनॉमिक स्पीयर में देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स के ऊपर जो बाउंडिंग थी, रेस्ट्रिक्शन थे, उसे वो हटाना चाहते थे. रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन
मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल, गुड्स और कैपिटल के बीच में जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थे, उनको ट्रांसपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शन थे वो भी वो हटाना चाहते थे। हमने देखा, फिर हमने न्यू कंजर्वेटिज्म भी देखा कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद का मीन्स आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, उसको वो हारा था इस 1815 में। इससे रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन इनसे वो हार चुका था। तो हु आर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स क्या है? तो कंजर्वेटिव पीपल आर दोस हु वांटेड टू प्रिजर्व द एंशियंट कल्चर, जो एंशियंट कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते थे। मींस ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट इन सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। वो क्या चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट्स है सोसाइटी में, जो जैसे कि चर्च हो गया, मोनार्की सिस्टम हो गया, वो उसे वो चाहते थे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उसे वो चाहते थे, चाहे वो स्टेट्स के हो चाहे वो सोसाइटी के हो, उसे वो प्रिजर्व करना चाहते थे, उसे वो अपने पास जैसे कि वैसा रखना चाहते थे। नो चेंज, चेंज तो चाहते थे हम देखेंगे, बट उन्हें वही मोनार्की सिस्टम पसंद था, उन्हें फ्यूडल सिस्टम पसंद था, मीन्स उसे वो प्रिजर्व करना चाहते थे। देन मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्टेर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल मॉडर्न आर्मी एंड एफिशियंट ब्यूरोक्रेसी। मीन्स वो चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन वही हो, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हो, बट उन्होंने क्या किया था, वेलकम टू चेंजेस, उन्होंने चेंजेस को वेलकम किया था, कि मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मॉडर्न प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया था। कैन स्टेनर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसके पावर्स को बढ़ाएगा अगर हम उसमें मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्न आर्मी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मॉडर्न आर्मी में ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो अच्छी तरह लड़ाई कर सके, एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सही लीगल तरीके से होगा, ऐसा कहना था कंजर्वेटिव का। मीन्स हम चाहते हैं कई चीज़ें, हम चाहते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो हमारा जो इंडिया था इट वॉज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था, वॉन्ट टू ओवरथ्रोन दे, हम उनको ओवरथ्रोन करना चाहते थे, हम उनसे उनको यहाँ से निकाल देना चाहते थे, यही हम इसलिए हमने स्ट्रगल लिया था, लिया था फ्रीडम किया था। बट सब थिंग ऐसी थी कि हमने उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया और आज हम उसी से डेवलप कर रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे सिस्टम, का तो आज देखो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रोज हमें किसकी वजह से मिला है, वो हमें ब्रिटेन की वजह से मिला है। मीन्स हम ब्रिटेन को भगाना तो चाहते थे लेकिन उनके जो कुछ सिस्टम है उसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो सेम थिंग कंजर्वेटिव भी ये चाहते थे कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सिस्टम होना चाहिए, बट उसमें क्या होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्न प्रिंसिपल्स होने चाहिए। देन इन 1815 ऑलरेडी मैंने बताया कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। यूरोपियन पावर्स जो थे प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, दे वांट टू मीट एंड एक टू वियना, उन्होंने अपनी एक मीटिंग बैठाई जिसमें वियना में कुछ रूल्स और रेगुलेशन को डिस्कस करने के लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिस्कशन करने के लिए उन्होंने जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने मीटिंग कराई, कहाँ पे, वियना, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना, उसे क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वियना। तो देख लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या जो संधि का आ जाता है तो उसमें क्या प्रिंसिपल्स थे, या उसकी क्या फीचर्स थे, उसकी क्या क्वालिटीज थी, तो वो अब हम देख लेंगे। ओके, ट्रीटी ऑफ वियना वी विल अंडरस्टैंड, वी विल एक्सप्लेन विद द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। या फिर हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी, व्हिच चेंजेस वर ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी, वियना ट्रीटी के थ्रू क्या चेंजेस लाए गए, और हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, मीन्स वियना कांग्रेस जो 1815 को हेल्ड हुई थी तो उसका होस्ट कौन, किसने होस्ट किया था, किसने लीड किया था, तो ये देख लेते हैं। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिस, किसने उसे होस्ट किया था, ड्यूक मैटरनिस ने होस्ट किया था।
किया था, किसे? ट्रीटी ऑफ वियना ट्रीटी को, ओके, इन 1815। या फिर आपको ये भी क्वेश्चन आता है, हु वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो दैट टाइम वी हैव ट्राइड द ड्यूक मैटरनिस वाज द ऑस्ट्रेलियन चांसलर। या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता, ऑस्ट्रेलियन चांसलर फिल इन द ब्लैंक्स वाज, तो ड्यूक मैटरनिस, ओके, मैटरनिस भी कहा जाता है उसको, मैटरनिस, मैटरनिस, ओके। तो द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिस। द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। अब वियना ट्रीटी से क्या चेंजेस लेकर आए थे, ये हमें चेंजेस दिया गया है कि वियना ट्रीटी के थ्रू क्या चेंजेस लाए गए थे। द बर्बर डायनेस्टी डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज पुट बैक इन पावर। मींस क्या किया गया था, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था इन द वियना ट्रीटी। हमने देखा था कि फर्स्ट देयर वाज द मोनार्की सिस्टम एंड देयर वाज द लुई 16 वाज किंग, देन दैट किंगडम ओवरथ्रोन बाय द डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आया उसके बाद, डेमोक्रेटिक के बाद वहां पे क्या आया, नेपोलियन ने उसे ओवरथ्रोन किया और नेपोलियन को फिर से बैटल ऑफ वाटरलू में हराया गया था, ओके। तो इस तरीके से फिर क्या किया गया 1815 के बाद कि रिस्टोर किया गया, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया। द टेरिटरीज एनेक्स बाय नेपोलियन वर टेकन बाय फ्रॉम फ्रांस। मीन जो टेरिटरीज नेपोलियन के थ्रू ली गई थी, हत्या ली गई थी, वो किसे दे दिया गया था, फ्रांस को वापस दे दिया गया था। नेपोलियन ही वांट टू स्प्रेड हिज टेरिटरी इन द वर्ल्ड, यानी हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में वो अपनी टेरिटरीज स्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन वियना में क्या डिसाइड किया गया था कि जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने एनेक्स किया है वो वेर टेकन बैक फ्रॉम फ्रांस, मीन्स फ्रांस जो भी उसने ले लिया था, एनेक्स कर लिया था, वो दे दिया जाए, ओके, टेकन बैक फ्रॉम फ्रांस। देन टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस अ सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप ऑन फ्रांस बाउंड्रीज। अब इसका क्या, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर ऑफ एक्सपेंशन। अब देखिए यहां पे फ्रांस है, हियर इज ऑस्ट्रिया, यहां पे ऑस्ट्रिया, अब ये बीच का जो एरिया बचा है, अब इस एरिया को फ्रांस एनेक्स ना कर ले, अपना एरिया एक्सपांड ना कर ले, करके यहां पे भी टेरिटरीज बना ली गई थी, मींस फ्रांस के आजू-बाजू स्टेट्स बना दिए गए थे, स्टेट्स फॉर्म किए गए थे ताकि फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज बढ़ा ना सके। फ्रांस वर गिवन टू स्टेट अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन फ्रांस बाउंड्री, मींस फ्रांस की बाउंड्री में ऐसे स्टेट्स बना लिए गए थे ताकि फ्रांस ने अपना जो टेरिटरीज है वो क्या करे, बढ़ाना नहीं चाहिए, ओके। देन अलोंग विद सैक्सोनी सम न्यू टेरिटरीज वर गिवन टू प्रुशिया, मींस प्रुशिया को उसकी टेरिटरीज दे दी गई थी, किसके साथ, सैक्सोनी तो दिया गया था उसके साथ, उसको और अदर टेरिटरीज भी दी गई और इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, मींस उसके वेस्टर्न पार्ट में उसे उसकी और टेरिटरीज दे दी गई थी। साथ में ऑस्ट्रिया गो द कंट्रोल ऑफ नदर इटली, ऑस्ट्रिया को नदर इटली का पार्ट मिल गया था और रशिया को पोलैंड में कंट्रोल मिल गया था। मींस हमने देखा कि नेपोलियन ने जो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया से जो ले ली थी टेरिटरीज वो उनको वापस दे दी गई। तो ये वियना की ट्रेटी में साइन किया गया था, ये सारे कंडीशंस टर्म एंड कंडीशन वियना के ट्रेटी में रखे गए थे। क्या था कि द बर्बन डायनेस्टी डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज पुट बैक इन पावर, द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय नेपोलियन वर टेकन बैक फ्रॉम फ्रांस, एंड देन मिस फ्रांस को बढ़ाने के लिए नेपोलियन ने जो टेरिटरीज ले लिया था वो फ्रांस से फिर से ले लिया गया था। एक्चुअली में नेपोलियन ही वाज फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस का था, बट ही वांट टू एक्सपांड हिज टेरिटरीज इन होल यूरोप, पूरे यूरोप में अपनी
कोलन पे कंट्रोल दे दिया गया। इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन वियना में लगा के, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके कि हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, ड्यूक मेटरनिक, हु वाज अ ड्यूक मेटरनिक, ही वाज अ ऑस्ट्रियन चांसलर, देन एनालाइज द मेन चेंज ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी, ये भी पूछ सकता है, और राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वियना ट्रीटी, वियना ट्रीटी पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। मीन्स इस टाइप के आपको क्वेश्चन खुद फॉर्म करना है, खुद उसका आंसर ढूंढना है। यहाँ पे आंसर तो मैंने बता दिया है वियना ट्रीटी का, आपको ये पॉइंट्स लिखना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, ओके। फॉर फाइव मार्क्स, अगर थ्री मार्क्स से ज्यादा तो इट इज सफिशियंट। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रीजिम्स। कंजर्वेटिव रीजिम्स के फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, दे वेर द ऑटोक्रेटिक। वो कैसे थे? ऑटोक्रेटिक थे बिकॉज उनकी जो थिंकिंग थी दैट वर, इफ वी आर कंपेयरिंग देम विद द मोनार्की, हम मोनार्की से उसे कंपेयर कर रहे हैं कि इनकी जो थिंकिंग थी वो ऑटोक्रेटिक थे, अत्याचारी थे, ऐसा हम कह सकते हैं। कंजर्वेटिव रीजिम में ज़्यादातर अत्याचार हो रहा था। किस टाइप का? नो टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, मीन्स उन्होंने वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते कि थे कि कोई उसे, कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे, डिसेंट करे, कोई उन्हें अपोज करे। देवर नेवर बियर इट, वो उसे बियर नहीं कर पाते थे कि कोई उनके जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे उसे वो क्रिटिसाइज करे एंड डिसेंट। देन नो क्वेश्चनिंग अबाउट गवर्नमेंट, उन्होंने किसी को भी राइट्स नहीं दिया था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सके। गवर्नमेंट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वहाँ पे अथॉरिटी भी नहीं दी गई थी कि कोई क्वेश्चन उठा सके। गवर्नमेंट वर नॉट एंसरेबल टू द पीपल, यानी पीपल को आंसरेबल नहीं थी गवर्नमेंट। नो क्वेश्चनिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड नाज़ी सेवर सेंसरशिप, उन्होंने सेंसरशिप लागू किया था। मीन्स नो वन हैड राइट टू ऑर्गेनाइज देयर कमेटी, या कमेटी को या कोई ग्रुप ऑर्गेनाइज कर सके। दे वर नॉट अलाउड टू फिल देयर एक्सप्रेशन एज वेल एज मीडिया, जो था मीडिया में भी उन्होंने रोक लगा दिया था, न्यूज़पेपर पर रोक लगा दिया था, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहे थे कि कोई भी उन्हें क्रिटिसिज्म करे या उनके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोल सके। तो इस टाइप से हमने देखा है यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम्स, ओके। तो इस वीडियो में अब तक हमने वही कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, उसमें कंजर्वेटिज्म के बारे में देखा कि कंजर्वेटिव क्या चाहते थे ये, एंड देन उसके बाद हमने उसमें ट्रीटी ऑफ वियना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पूछता है थ्री मार्क्स के लिए और फाइव मार्क्स के लिए ट्रीटी ऑफ वियना, एंड देन द फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रेसिम्स, ओके। देन वी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू सब टॉपिक। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।